वेलकम स्टूडेंट, माई सेल्फ पल्लवी निशा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, विद्या भवन महिला कॉलेज सिवान, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार के अंतर्गत उसके बाजार नियंत्रण या आर्थिक नियंत्रण या मूल्य निर्धारण योजना के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि बाजार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अलाउद्दीन ने बाजार में बिकने वाले हर एक वस्तुओं के मूल्य को निर्धारित कर दिया था। तो सबसे पहला सवाल यह है कि अलाउद्दीन खिलजी के इस आर्थिक नियंत्रण को स्थापित करने के का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की नीति को अपनाया। तो इसके संदर्भ में इतिहासकारों ने बहुत सारे अपने राय रखे हैं। समकालीन इतिहासकारों में वर्नी और खुसरो, अमीर खुसरो ने अपनी रचनाओं में इस बात को जिक्र किया है। वर्नी अपनी रचना में लिखता है कि विशाल सेना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा संगठित की गई थी। अपने साम्राज्यवादी विस्तार की नीति के लिए अलाउद्दीन ने लगभग 4.5 लाख से भी ज़्यादा सैनिकों की नियुक्ति किया था और सेना में होने वाले खर्च पर कमी करने के लिए उसने सैनिकों के वेतन को निर्धारित कर दिया था। तो अब सीमित वेतन में लोगों को, खासकर सैनिकों को, दैनिक आवश्यकता की वस्तु उपलब्ध कराया जाना यह प्रशासन के लिए एक चुनौती थी। तो इसी कारण वस्तुओं के मूल्य को निर्धारित करना आवश्यक हो गया था। वहीं अमीर खुसरो का कहना है कि आम प्रजा को मूल्य वृद्धि से राहत देने के लिए वस्तुओं के मूल्य को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया और इसी के लिए बाजार नियंत्रण नीति की योजना को अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपनाया गया। तो यह उद्देश्य जो है, हम लोग देखते हैं कि बर्नी और अमीर खुसरो के द्वारा दिया गया और जिसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बाजार नियंत्रण, आर्थिक नियंत्रण या मूल्य निर्धारण योजना की व्यवस्था को लागू किया। तो उसकी इसी व्यवस्था के संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि इस अपने आर्थिक नियंत्रण नीति को कार्यान्वित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विभाग की स्थापना की जो दीवाने रियासत के नाम से जाना जाता है। इस विभाग को दीवाने रियासत के नाम से जाना गया। यह एक वाणिज्य विभाग था और बाजार नियंत्रण का सबसे मुख्य जो केंद्र शक्ति थी इन्हीं के हाथों में थी और इसके जो प्रधान थे वह सदर ए रियासत कहलाते थे। सदर ए रियासत के द्वारा प्रत्येक बाजार के लिए सहना ए मंडी, जिसको कहा जाता है, प्रत्येक बाजार के लिए एक बाजार अधीक्षक की नियुक्ति की जाती थी जिसको सहना कहा जाता था और इसका काम व्यापारियों पर नियंत्रण रखना था, साथ ही व्यापारियों का पंजीकरण करना, वस्तुओं के नाप तौल को देखना। तो यह सारा काम जो है सहना का था और यह बाजार अधीक्षक के रूप में कार्य करता था। सहना के गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए, बाजार की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बरीद की नियुक्ति की। बरीद जो गुप्तचर, जिसको गुप्तचर कहते हैं, अलाउद्दीन ने बरीद और गुप्तचर की सहायता से बाजार की गतिविधियों और सहना की कार्य प्रणाली पर निगरानी रखने का काम किया। इस काम में मुनिहान का भी वही काम था। तो मुनिहान के द्वारा भी अलाउद्दीन स्वयं बाजार नियंत्रण की नीति पर नियंत्रण रखते थे। इसके अलावा अलाउद्दीन अपने दासों के माध्यम से भी समय समय पर बाजार से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं उसका वह विवरण प्राप्त करते रहते थे। तो इस तरह एक विभाग के द्वारा बाजार नियंत्रण को व्यवस्था के रूप में चलाने का काम अलाउद्दीन के द्वारा किया जाता है। इतना ही नहीं, उसने बाजार व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए, मूल्य को नियंत्रित करने के लिए कठोर दंड का भी प्रावधान किया। अगर व्यापारियों के द्वारा कीमतों को अधिक लिया जाता है या उसके द्वारा कम नाप तौल की जाती है तो वैसी स्थिति में अंग भंग या कोरे से मारने की सजा का प्रावधान किया जाता था। तो कठोर दंड का प्रावधान अपने इस बाजार नियंत्रण की नीति को चलाने के लिए उसने अपनाया। उस समय अलाउद्दीन ने कुल 3 तरह के बाजार का निर्माण किया। तो पहला बाजार था मंडी, जो अनाज का व्यापार होता था जिसमें गेहूँ, चावल, मक्खन, घी, जौ, चना, इनसे संबंधित जितने भी तरह के अनाज थे इस मंडी में आकर
बेचे जाते थे। और दूसरा बाजार था सराय अदर, जो वस्त्र एवं अन्य वस्तु जैसे शक्कर, मेवा, जड़ी बूटी, दीप जलाने के दीपक का तेल इत्यादि से संबंधित यहाँ पर सामान बिका जाता था सराय अदर। और एक था सामान्य बाजार जिसमें दास, घोड़ा और मवेशी की बिक्री की जाती थी। तो इस बाजार में, इन तीनों बाजारों पर, इस तीनों तरह के बाजारों पर सहना ए मंडी के द्वारा नियंत्रित स्थापित किया जाता था, नियंत्रण स्थापित किया जाता था। और बरीद और मुनिहान जो है इनकी गतिविधियों की जानकारी अलाउद्दीन खिलजी तक पहुँचाते थे। तो मंडी में हम लोग देखते हैं, पहले मंडी की ओर आते हैं। यहाँ व्यापारियों के द्वारा किसानों से पहले ही केंद्रीय स्तर पर सारे अनाज को खरीद लिया जाता था और उस लगान की वसूली के रूप में जो अनाज आते थे और उसको निर्धारित मूल्य पर अनाज जो है व्यापारियों को बेचने का आदेश दिया जाता था। और इससे दो फायदे हुए, एक जमाखोरी और मुनाफाखोरी जैसी जो अव्यवस्था कायम हो चुकी थी बाजार में वो दूर करने का प्रयास किया गया इस व्यवस्था के द्वारा। सराय अदल, इसमें हम देखते हैं कि वस्त्र और अन्य वस्तु जैसे शक्कर, मेवा, इस सब की बिक्री होती है। वस्त्र में भी रेशमी जो वस्त्र हैं, जो विदेशों से आयात किए जाने वाले वस्त्र थे, उसको प्रोत्साहित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा व्यापारियों को ऋण भी दिया जाता था। अगर उन्हें घाटा लग जाता था तो राज्य की ओर से उसकी भरपाई भी की जाती थी। तो व्यापारियों को उनकी सेवा के बदले में कमीशन प्रदान किया जाता था। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि वस्त्र वगैरह के आधार पर जो परमिट है, जो खासकर महंगे वस्त्र होते हैं, उसका परमिशन इन लोगों को सदर रियासत से लेना पड़ता था। महंगे वस्त्र का परमिशन सदर रियासत से दिया जाता था। और सामान्य बाजार में दास, घोड़ा, मवेशी की बिक्री होती थी, क्योंकि अलाउद्दीन की जो साम्राज्यवादी नीति था और उसके विस्तार के लिए सेना की आवश्यकता थी और सेना में मुख्य रूप से घुड़सवार सेना का महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसलिए अलाउद्दीन स्वयं घोड़ों के व्यापार का विशेष ध्यान इसमें दिया। और दास व्यापार, घोड़ों और मवेशियों के बीच जो दलाल और बिचौलिए होते थे जिनके माध्यम से इन लोगों का व्यापार होता था, अलाउद्दीन ने इस बिचौलिए व्यवस्था को समाप्त करने का काम किया। तो बाजार व्यवस्था में इन सभी चीज़ों के मूल्य को निर्धारित कर दिया गया, नियंत्रित कर दिया गया, उनकी कीमतों के हिसाब से, उनके क्वालिटी के हिसाब से दाम को निश्चित किए गए। जिस तरह से उदाहरण स्वरूप मंडी में हम देखते हैं अनाज के व्यापार में गेहूँ जो था वह 7.5 जीतल प्रति मन के दाम पर बेचा जाना निश्चित किया गया। चावल वही 5 जीतल प्रति मन, जौ का दाम 4 जीतल प्रति मन, चना 5 जीतल प्रति मन के हिसाब से बेचने निर्धारित किया गया। मक्खन और घी 1 जीतल प्रति 2.5 केजी इसका मूल्य निर्धारित किया गया। वहीं वस्त्र वगैरह में देखते हैं जो रेशमी वस्त्र होते हैं 16 टंका से 2 टंका उसका मूल्य निर्धारित किया गया। और सूती वस्त्र का दाम जो है 36 जीतल से 6 जीतल तक का निर्धारित किया गया। दास में भी देखते हैं कि दासों के क्वालिटी के हिसाब से इनके मूल्य को निर्धारित किया गया, उत्तम, मध्यम, इस टाइप से। और यहाँ यह जो था 5 टंका से लेकर 40 टंका तक निर्धारित किया गया था। घोड़ा में जो उत्तम क्वालिटी के घोड़ा होते थे वह 100 से 120 टंका तक का होता था। और मवेशियों में और जो टट्टू टाइप से होते थे उसका दाम, मालवाहक घोड़े जो होते थे उसका मूल्य 10 से 20 टंका निर्धारित किया गया। मवेशियों में भी हम लोग देखते हैं मांस खाने वाले मवेशी जैसे बकरी, गाय वगैरह का भी मूल्य को निर्धारित उनके नस्ल के आधार पर किया जाता है। तो इस तरह से सामान्य बाजार, सराय अदल और मंडी के द्वारा अलाउद्दीन के द्वारा बाजार को नियंत्रित किया गया। अलाउद्दीन के इन उपायों से सभी आवश्यक वस्तुओं का मूल्य निर्धारित कर दिया गया और अपने शासनकाल की पूरी अवधि में इनमें किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होने दी। यह एक कहा जाए कि अलाउद्दीन की प्रशंसनीय सफलता थी। हालांकि उसके द्वारा स्थापित यह जो बाजार नियंत्रण की जो व्यवस्था है ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकी और उसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों के द्वारा बंद कर देना पड़ा। तो इसके बारे में कहा जाता है,
ऐसा माना जाता है कि इसका जो कार्य क्षेत्र था, यह जो बाजार नियंत्रण की जो व्यवस्था थी, इतिहासकारों के द्वारा कहा जाता है कि संपूर्ण राज्य में इसका विस्तार नहीं था, यह सिर्फ दिल्ली और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों पे ही लागू था। लेकिन सैनिक और केंद्रीय सेना की दृष्टि से अगर देखा जाए तो दिल्ली ही इसका मुख्य केंद्र बिंदु था। फिर भी अलाउद्दीन के द्वारा अपनाया गया मूल्य निर्धारण योजना और बाजार नियंत्रण की नीति के द्वारा लोगों को बहुत राहत मिल रही थी और इस तरह उसकी यह योजना जो है काफ़ी सफल हुई और यह अलाउद्दीन के राजनीतिक आर्थिक नियंत्रण की नीति के रूप में भी हम लोगों को देखा जाता है। तो इस तरह से हम लोग अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण को समझ सकते हैं, उसके मूल्य निर्धारण योजना का क्या कारण है उसको समझ सकते हैं और उसके लिए उसने क्या क्या प्रयास किए उसके बारे में मैंने बताया। थैंक यू।